नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि मैं टंट्या भील, बिरसा मुंडा और आदिवासी जननायकों से जुड़ी कहानियां प्रस्तुत करूं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज बनाने का फैसला किया है। इसका नाम होगा रॉबिनहुड सीरीज। इस सीरीज के हर एपिसोड में मैं आपके सामने टंट्या भील के संपूर्ण जीवन काल से जुड़ी छोटी बड़ी घटनाओं की कहानियां और किस्से प्रस्तुत करूंगा। अगर आप भी मेरी तरह टंट्या मामा के डाईहार्ड फैन हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। तो लीजिए, पेश है इंडियन रॉबिनहुड अमर शहीद टंट्या भील के सम्मान में रॉबिनहुड सीरीज का हमारा पहला एपिसोड। ब्रिटिश इंडिया की 565 रियासतों में से एक बेरार स्टेट जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। बेरार को वनहट के नाम से भी जाना जाता था, जो आजकल महाराष्ट्र कहलाता है। बेरार के नॉर्थ में ईस्ट से वेस्ट तक सतपुड़ा रेंज का विस्तार था। इस रेंज की तलहटी में एक और खानदेश तो दूसरी ओर निमाड़ था। निमाड़ का वह क्षेत्र आज मध्य प्रदेश का खंडवा, खरगोन तथा बड़वानी जिला है। 200 साल पहले इस निमाड़ में मराठों का राज था। निमाड़ के नॉर्थ में थी होलकर रियासत। सतपुड़ा रेंज के आसपास के जंगलों में भील और गोंड आदिवासी रहते थे। भील आदिवासी सतपुड़ा के इस पर्वतीय इलाके में रहते थे और जंगल में मिलने वाले कंदमूल, फलों और जानवरों का शिकार करके अपना गुजर बसर करते थे। जंगल में खाने की सहूलियत और झोंपड़े का आसरा, बस इतनी सी ही थी इनकी जरूरतें। मराठा शासन का अंत हुआ, बुरहानपुर का मुस्लिम राजवंश भी अस्त व्यस्त हो गया, सभी छोटे बड़े राजपूत सरदारों की जागीरें खत्म हुई और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। मौका पाकर यहाँ के बेकार सैनिकों ने निमाड़ प्रांत में लूटमार शुरू कर दी, जो पिंडारी कहलाते थे। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी हो तो पिंडारियों को अवश्य जानते होंगे। खैर, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन ओट्रम ने इन पर अभियान चलाए और पिंडारियों को कुचलकर निमाड़ में फिर से शांति स्थापित की। सतपुड़ा रेंज के आसपास का जंगल आदिवासियों का प्राकृतिक आवास था। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जंगल पर अपना हक कायम किया। जंगल से पेड़ काटना अब गुनाह बन गया। आदिकाल से भील सतपुड़ा की वादियों में अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा करते आए थे, लेकिन अब उन्हें चीजें इकट्ठा करने पर सजा दी जाने लगी। अमीर साहूकार गरीबों का शोषण करते हुए और अमीर हो गए और इस जमीन के मूल मालिक आदिवासी बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। मालिक से कर्ज लेने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। जिंदगी भर ना चुकने वाला यह कर्ज कभी कभी तो इतना हो जाता कि दादा का कर्ज चुकाने के लिए पोते को मालिक के घर बंधुआ बनना पड़ता था। निमाड़ भी अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसका जिला मुख्यालय खंडवा था। पाल के नॉर्थ में जो पर्वत श्रृंखला थी उसमें सुक्ता नदी बहती थी। वह नदी घाटाखेड़ी गाँव से होकर गुजरती थी। पास ही बड़दा गाँव था। गाँव में भवसिंह के पिता की थोड़ी सी जमीन थी। एक तो गरीबी और दूसरा बरसात ठीक से नहीं हुई, इसलिए उन्हें पोखर गांव के पटेल से कर्ज लेना पड़ा। जमीन गिरवी रखकर लिया गया यह कर्ज साल दर साल बढ़ता ही चला गया। भावसिंह के पिता बंधुआ हो गए। वे साल भर खेतों में मजदूरी करते और अंत में साहूकार ब्याज पर ब्याज लगाकर मूल रकम जस की तस कर देता। दो वक्त की रोटी के लिए भी फिर से कर्ज लेना पड़ता था। साल दर साल यही चलता रहा और एक दिन साहूकार की यह सुदखोरी भावसिंह के पिता को निगल गई। अब बारी थी भावसिंह के बंधुआ बनने की। भावसिंह और उसकी पत्नी दिन रात पटेल के खेतों में खून पसीना एक करते और सोचते किसी तरह पट्टे की रकम इकट्ठा कर लें तो पटेल का सारा कर्ज चुका दें। बारिश भी भावसिंह की गरीबी में गिलाटा करने लगी थी। कभी बारिश मेहरबान होती तो कभी पानी की कमी के कारण फसल कम आती थी। साहूकार तो साहूकार ठहरा, उसे क्या लेना देना इन बातों से। फसल कटाई पर अपनी पोथी लेकर आता और सूद में गोलमोल हिसाब करके सारा धान उठाकर ले जाता। हर साल मूल जस का तस रह जाता और फिर वही ढाक के तीन पात। खाने के अनाज के लिए भी भावसिंह को पटेल के पास गिड़गड़ाना पड़ता था। 2-3 साल ठीक से बारिश नहीं होने के कारण इलाके में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पटेल की सुदखोरी पर कभी अकाल नहीं पड़ा। वो बढ़ते ही चली जा रही थी। बारिश की कमी से फसल नहीं आई और भावसिंह हर बार जो लगान की रकम सूद के तौर पर जमा करता था, इस बार वो भी नहीं भर सका। मालिक तकाजा करने लगा, गालियां देने लगा, कभी कभी तो बात मारपीट तक भी उतर आती थी। भावसिंह और जीवनी अब आधे पेट रहने लगे, जंगल से फल और कंदमूल खाकर दिन गुजार रहे थे। भुखमरी के कारण जीवनी की तबीयत नासाज हो गई और लाख जतन करने पर भी भावसिंह जीवनी को बचा नहीं सका। पत्नी के चले जाने के बाद भावसिंह चिंताग्रस्त रहने लगा, दिन भर शराब के नशे में रहता। भावसिंह और जीवनी का एक बेटा था जिसका नाम टंट्या था। टंट्या आम लड़कों जैसा ही था। वह हर रोज जंगल में घूमता, माँ बाप के साथ खेत में जाता और हम उम्र लड़कों के साथ खेलता। बस यही थी टंट्या की जिंदगी। टंट्या सीधा साधा था। उसका कद यूं ही कुछ 5-5 फुट होगा। लंबा चेहरा, छरहरा बदन, ठुड्डी दबी हुई, नाक थोड़ी चपटी, चेहरा लंबा सा था। कान चेहरे के अनुपात में थोड़े बड़े से लगते थे। भूरी मूछें, भौहों पर बाल कम,
और बड़े होंठ और भूरे रंग की छोटी चमकदार आंखें थी। भावसिंह को टंट्या के भविष्य की चिंता होने लगी। जमीन पहले ही पटेल अपने कब्जे में ले चुका था। भावसिंह की सेहत भी बिगड़ने लगी थी। बीमार भावसिंह ने टंट्या को बताया, अब यहाँ हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पास ही एक गांव है, पीर का पोखर। वो अपना ही गांव है। पोखर में हमारी थोड़ी सी जमीन है जिस पर शिब्बा पाटिल खेती करता है। बीमार भावसिंह की स्थिति बिगड़ती चली गई और एक दिन अरे खुल्लो दे चले बाप थारो टंकियो यो चलियो रे वो बाप थारो टंकियो ये।